सो नमस्ते, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार स्टम्प्ड बाय मीम्स पे। आज हम रिएक्ट करने वाले एक नया वीडियो के ऊपर, जो कि है एक पाकिस्तानी व्लॉगर का। वो इंडिया आए हुए हैं और आके विजिट किया एक टेम्पल को। सो इसी के ऊपर हम रिएक्ट करेंगे एंड देखते हैं वीडियो में क्या है। सो आप लोगों से मिलते हैं वीडियो के बाद रिएक्शन के साथ। स्वामी स्टेडियम फोर्ट देख रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, कितना खूबसूरत है। साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। इसलिए उसको कहते हैं भगवत गीता। एक तरफ से देख लो रामायण है, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। हाँ जी भैया, सलाम नमस्ते सस्कार ब्रह्म चेनाई स्वामी स्टेडियम के बड़ा करीब है भाई। तो मैंने कहा यार जरा वॉक अराउंड कर रहे हैं, आपको थोड़ा सैर वैर करा दे। तो एक बिल्डिंग में आए हम, डना राधन टावर, और ये कनाडा में लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा। कुछ लव सीखने की कोशिश की थी कनाडा में, तो अभी मैं आया हूँ यहाँ एक मनी चेंजर के। ATM से मैंने ट्राई किया, बहुत ज्यादा पैसे कट रहे हैं। तो मैं कहा यार अगर करेंसी चेंज करानी है हम कराते हैं मनी चेंजर पर। ऑफिस है, मैं जाने लगा हूँ, आप मेरे साथ आ जाए। भैया सैनिटाइजर नहीं था एक दिन, तो भाई गंदे हाथों से खाया और अगले दिन गला खराब हो गया यार। तो अब हम फिर भूल आए हैं। ओए ओए, ये तो रणवीर सिंह है, और ये वो है ना, क्या नाम है, तपसी पन्नू, रणवीर सिंह फिर तपसी। यहाँ देखो बॉलीवुड कितना फेमस है, ये देखो ये वो बमन ईरानी। भैया क्या हाल है, एक सैनिटाइजर की छोटी बॉटल। देखो भाई ये तो, देखो भाई ये तो कितना अच्छा है भाई। इन्होंने पोल्यूशन वगैरह से बचने के लिए गिलास लगाया हुआ आगे। 35 यार, ये अच्छी है स्प्रे वाली। हाँ ये अच्छी है स्प्रे वाली, 35 की। अब हम कुछ भी खा सकते हैं। अबे ये तो निकल ही नहीं रहा, निकल साफ हो गया। जब भी आप खाएं उसके बाद किसी चीज को हाथ मत लगाएं। कैमरामैन को बाद में खिलाएंगे, पहले खुद खाएं। भाई ये बेंगलोर की सड़कों पे घूमते हुए आपको दिखा रहे हैं। ये तो छोटी सी बाइक इलेक्ट्रिक बहुत लोग चला रहे हैं यहाँ पे, छोटी वाली मोस्टली उनके पास होती है। ये नारियल हर जगह नारियल। ये क्या बेच रहा है भाई, देखते पानी पूरी, समोसा, मसाला पूरी है। अरे भैया क्या है ये, चाट का दुकान है। वो क्या बन रहा है इसमें, मसाला पूरी। ये क्या मसाला, चाट का मसाला। वो क्या है, वो पूरी। यार ये तो हमने खाई नहीं जब से आए। ये भेलपूरी है ना, ये भेलपूरी है, ये चने चने है क्या है। और ये भेलपूरी का मसाला, ये पूरी, वो पानी पूरी, और ये कोई मसाला है, चाट का मसाला है। चलो सही है भैया। लो भाई हम खा रहे हैं, क्या चीज है ये, रगड़ा। इन्होंने वो पूरी तोड़ी है थोड़ी सी, ये देखो, और अब चना डाला है, और ये हलीम टाइप जो रगड़ा कोई चीज है थोड़ा डालना, बस 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 भाई बहुत। ये डाला है और नमक मिर्च डालेंगे, फ्रेश सैलेड डालेंगे। ये भेल है क्या है, मिक्सचर वो मिक्स करके खाएं। तो भैया क्या नाम है आपका, सुब्रमणि। सुब्रमणि मशहूर है दुकान आप, 28 इयर्स से लग रहा है। सुब्रमणि भाई 28 इयर्स, सुब्रमणि भाई कह रहे हो 28 इयर्स से हूँ मैं। तो यहाँ से जरा यहाँ पे खाते हैं फिर आपको बताते हैं। पहली दफा लाइफ में, अच्छा वो उस हलीम नुमा इंग्रेडिएंट का नाम रगड़ा है, ओवरऑल इसका नाम मसाला पूरी है। ये देखें आप, ये देखें, तो थोड़ा सा क्रिस्पी ये लेंगे, ये मिक्सचर लेंगे, सैलेड डाला था, खा के देखते हैं पहली दफा जिंदगी में मसाला पूरी। गरम है, इसमें ये नॉन वेज वेज है, ऐसा लग रहा है कुछ चिकन का स्टॉक भी डला हुआ है। ये जो रगड़ा हलीम वाला है इसमें ऐसा लग रहा है चिकन का कोई स्टॉक डला हुआ है, लेकिन एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि मैंने ये मसाला पूरी खाया हुआ है 28 साल से। ये देखें इनका ठेला देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरती से सजाया हुआ है 28 साल से। और रोड साइड पे खड़े खाओगे खाने का यार मजा ही अपना है। ट्रैफिक चल रही है, मट्टी यहाँ नहीं है, ये आप देख सकते हैं कितना ग्रीन है, मट्टी नहीं है, एयर क्वालिटी आपको पता लगता है कि साफ है। तो एक और खा के देखते हैं जरा, ज्यादा रगड़ा शगड़ा मिला के और वो चीजें। बहुत अच्छा भाई, अब आ ही गए हैं तो पानी पूरी भी ट्राई करते हैं इनका। भैया कितने का पानी पूरी, 35 का, 35 रुपए का ये है। पानी पूरी भी देखते हैं इनकी कैसी है, तो जरा एक दो दिवाओ बनाए पानी पूरी। अच्छा ये है, नहीं नहीं वो कह रहे हैं जो मसाला आपको दिया है वही पानी पूरी में डालूंगा,
वो मसाला तो मैंने ऑलरेडी खा लिया है, पानी पूरी तो वो बनेगा ना मज़ा। तो हम सिर्फ यहीं से ये खाते हैं, बाकी आगे से फिर ट्राई करेंगे कुछ। ठीक है भाई, चलें। थैंक यू यार। यहाँ पे ना रिक्शे वाले पैसे बड़े, ऊबर पे रिक्शा दिखा रहा है जहाँ भी हमने जाना है 75 रुपए 80 रुपए। मैंने कहा चलो कैश दे देते यार, 100 दे देंगे, 150 दे देंगे। मतलब ऊबर पे जो 75 रुपए में लेके जा रहा है उसे 60 मिलेंगे लगभग। वो 150 में भी नहीं मान रहा जो बंदा खड़ा हुआ, तो समझ नहीं आ रही क्या सीन है भाई, क्यों नहीं वो आधा घंटा घंटा खड़ा होना उसका काम होता है। सवारी सामने है, कैश दे रही है, टुक टुक रिक्शा का हिसाब यहाँ पे भी वही है। वो सेम बंदा ऊबर पे ऑर्डर करोगे तो आ जाएगा, चला जाएगा कम पैसों। वैसे जो सामने सवारी खड़ी है उसको ज्यादा पैसों में भी नहीं लेके जाता। ये भाई धंधा मेरे को तो नहीं समझ आ रहा। तो भाई ऊबर आ गई है, देख सकते हैं आप। तो ये रिक्शे वाला जो 150 में नहीं लेके जा रहा, ये 130 रुपए में ऊबर आई है, जो कि 100 रुपए जिसको मिलेंगे। अरे भैया क्या हाल है, और बड़ी बेहतरीन गाड़ी है। ज्यादातर ऊबर में यही गाड़ी है भाई। कौन सी है ये, एस्प्रेसो मारुति? क्या नाम है भैया? मुन्ना, मुन्ना भाई। ये देखें भाई, बड़ा एक पॉश टाइप एरिया आ गया है, पता नहीं क्या कौन सा है, नहीं पता। स्पाइस क्लब, देखे ग्रीन, देखे कितना है यार, दरख्त देखें, हर तरह चीज उस हिसाब से डिजाइन की हुई। तो भाई मेन हम चौक पे पहुंच गए हैं, कमनाहली मेन रोड, ये देख सकते हैं कमनाहली मेन रोड। ये देखे भाई एम चेन्नई स्वामी स्टेडियम, द वर्ल्ड फेमस, क्या बात है। ये देखो भाई, ओहो यहाँ पे बड़े ऊंची ऊंची दीवारें बनाते हैं यार, नजर ही नहीं आता। ये देखो, तो हम सोच रहे थे यहाँ विजिट करें, कैसे करें, दीवारें इतनी ऊंची हैं, अंदर जाना तो दूर की बात, बाहर से भी कुछ नजर नहीं आ रहा। तो ये क्रिस गेल के छक्के इसके ऊपर आके छत पे लगते थे भाई, याद होगा, मुझे याद है, IPL देखते थे हम, बहुत बड़े बड़े छक्के मारे थे तो बाहर से ऐसा है। बहुत बिजी रोड है ऑलरेडी, ये भी एक एंट्रेंस है, वो देखें, वाह चेन्नई स्वामी। वहां से रहते हैं वो सब जानते हैं भाई, सारी यहाँ हिस्ट्री लिखी हुई है, इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। श्रीलंका में एक देखा था पुर्तगीज फोर्ट, लेकिन ये वाला बड़ा डिफरेंट है भाई, इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी बड़ा डिफरेंट लग रहा है। तो मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए, आई होप आप भी बड़े एक्साइटेड होंगे जो जो बेंगलोर नहीं आए। तो आज इस फोर्ट की सैर करते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है, क्या हिस्ट्री है, कोशिश करते हैं जो बंदा ढूंढते हैं जो मिले थोड़ा गाइड करे, आपको भी दिखाएं, खुद भी देखें। तो बड़ा एंजॉय होने वाला वीडियो, लेकिन प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप जो मोहब्बतें दे रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में, भाई मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन ट्रस्ट मी मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ रहा हूँ, और थैंक यू सो मच यार, आपका बहुत जी। ऑलरेडी मैंने सब्सक्राइब भी कर रखा है और लाइक भी कर रखा है, सो कीप डूइंग द गुड जॉब ब्रदर। शुक्रिया, सब्सक्राइबर ऐसे ही बढ़ाते रहें, मोहब्बतें देते रहें, तो मजीद वीडियो आ जाएंगी, आ जाएं जल्दी से। लॉबी अंदर आते ही पहली चीज ये देखो, ये तो तख्त सा कोई बना हुआ है यार, देखने में डिफरेंट लग रहा है। तो ये ऊंचे हैं, जमीन से ऊंचे हैं, तो पता नहीं ये सिर्फ हाथियों को रोकने के लिए बनाए हैं। ऊपर सुअर लगे, वो हाथियों वाले ऊपर लगे हुए, और नीचे से ये कोई डिफरेंट है डोर भाई, बहुत ही सॉलिड वुड है यार, ये वुड है, ऊपर पता नहीं प्लाई की हुई है क्या किया हुआ है। ये देखें, ये वाले जो फोर्ट हैं ये बिल्कुल एक अलग ही वाइब, अलग ही फीलिंग दे रहा है। तो यहाँ की ईंटों से लेके दरवाजों से लेके हर चीज़ अलग लग रही है। अब ये एंट्री देखें कैसी बनाई हुई है उन्होंने, कितनी मैसिव। आ जाए, भाई इधर के एक और बात पता लगी है कि असल जो है वो बंद है, जो असल किला है बस यही है, जो है ये जो नज़र आ रहा है आपको यही किला है भाई। तो मुझे था काफ़ी बड़ा किला होगा, लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ होगा, मेंटेन तो किया हुआ है लेकिन बंद है। हाँ ये कोई, इन्होंने गेट बंद कर दिया, अब समझ आई है मुझे ये क्यों बंद है, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता। तो जितना एक्साइटेड होके मैं ये किला और फोर्ट देखने आया था यार, उतना ही मैं डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि वो पता नहीं बंद था, रेनोवेशन थी या क्यों गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ था, क्योंकि जो गार्ड भाई थे उन्होंने बताया कि रीज़न नहीं पता, लेकिन बस ये एक इतना ही एरिया ओपन है जो कि बहुत ही छोटा एरिया। This is the main temple entrance. Main temple entrance, यहीं से देखें कितने अच्छे, 500 साल पुरानी है। 500 साल या
80% पूरा का पूरा मेन टेम्पल जो बनाई गई है ग्रेनाइट पत्थर पे। ये भी ग्रेनाइट पत्थर, ये भी ग्रेनाइट है। पिलग्रिमेज प्लेस, पवित्र यात्रा स्थल करके हम लोग विजिट करते हैं साउथ में, पूरे साउथ में, साउथ में तिरुपति में विजिट करते हैं। वही सेम भगवान की मूर्ति इन गर्भगृह में अंदर हम देख पाएंगे। अच्छा, बट अभी भी ये मंदिर खुलने के लिए आधा घंटा समय चाहिए। आफ्टर 6 o'clock देल ओपन, आई थिंक सो आगे थे, बट इन और बर्बे को पुजारी गल, पुजारी जी आने के बाद अच्छा ये द्वार खुल जाता है। अच्छा अच्छा, हर रोज यहाँ पर पूजा पाठ सब चलते हैं। अच्छा अच्छा, बट इन मंदिर पे दो द्वार बनाई गई है, एक अपने पूरब के तरफ से अभी जो हम एंट्री हुए हैं। अच्छा, वहाँ से आए, वहाँ से एंट्री है, एक ये है और दूसरी कहाँ है एंट्री? दूसरा वहाँ पर है। अच्छा, साल का 364 days। अच्छा, हम पूरब के द्वार से अंदर आते, पूरब के द्वार से ही बाहर निकलते। अच्छा, इनमें एक दिन वो द्वार खुलता है, सिर्फ एक दिन, एक ही दिन साल में। कौन सा दिन? उसको क्या कहते हैं, वैकुंठ एकादशी, 3 दिन पहले हुआ। अच्छा, अभी हुआ था? अभी हुआ। उन दिन भगवान को पूजा पाठ करने के बाद उन महाद्वार से हम निकले, अपने को वैकुंठ मिले, यानी कि मोक्ष मिले। अच्छा अच्छा, इसको कहते हैं गेट, वहाँ जा सकते, कहते हैं हेल गेट, वहाँ जा सकते, जा सकते। अरे वाह, कितना खूबसूरत है यार वो दरवाजा। ये है हेवन गेट और मोक्ष द्वार, जो साल में सिर्फ एक दिन खुलता है। इन्फॉर्मेशन आप देख लें, ये हनुमान जी का मंदिर है। गोविंदा जी ये क्या है? ये अपना विष्णु जी का सिंबल। अच्छा, ये लगाते हैं लोग? लोग लगाते हैं। अभी पुजारी के सामने भी देखो। जी 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 सर, बट ये सिंबल ऑफ विष्णु। हाँ, ये सिंबल, ऐसा सिंबल देखा तो हम लोग कहेंगे ये मंदिर विष्णु जी का। अच्छा, ऐसे कहीं से तीन लाइन होती है। जी जी जी, विभूति लगाते हैं। हाँ, तीन लाइन, शंकर भगवान के मंदिर। लेकिन रात को लाइटें जल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल है पहली दफा मैं अपनी लाइफ में ऐसा कोई, ये है अग्निदेव, अग्निदेव क्या आप देख सकते हैं, अग्नि, अग्निदेव भगवान को समर्पित करने के लिए भाई, भगवान अग्नि के साथ में सारे अच्छा, भगवान लोगों को हम लोग समर्पित करते हैं। ठीक 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 ठीक, इसको कहते हैं अग्नि कुंड या होम कुंड। यह है कुआ, इट इज अ वेल वाटर। जी जी, ये अभी लगाया 2001 में, ये बाद में वो पॉलिश करके डोने ये किया हुआ, पुराना था मगर अच्छा, ये ऊपर ये सब अलंकार किया गया ना। अच्छा अच्छा, इसको लोगों ने डोनेट किया हुआ, डोनेट। ये और ये जो निशान, ये जो काफी ज्यादा जगह है, ये जिस तरह ये तो रंगोली कहते हैं। अच्छा, रंगोली है भगवान सूरज जाता है तब, तो भाई वही सनराइज और सनसेट के टाइम, दो टाइम खुलता है। बड़ा ही एक नया सा तजर्बा है, और जिस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया गोविंदा भाई ने, तो हैट्स ऑफ, मजा आ गया। अच्छा, दिस इज द मूल विग्रह भगवान विष्णु, जहां आप देख सकते हैं पुजारी जी है। हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने अपने लिए पूजा पाठ करके आके अपने को आशीर्वाद दिए। अच्छा, दिस इज द मेन टेम्पल, देखो अपने लोगों ने पूजा करने के लिए तुलसी फूल भगवान पुष्प के हाथ में दिया जाता है, गॉड की ब्लेसिंग्स अपने को मिल रही है। देखो अभी लेके आया आरती, आरती लेना है तो ले लो आप भी। हाँ जी, श्री राम। अच्छा जी, आपने देखा कितना खूबसूरत हमने विजिट किया, तो मेरा ये पहला तजर्बा था, तो बड़ा ही अच्छा लगा, एक बिल्कुल डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एक्सपीरियंस, और तरह तरह के मज़हब के बारे में, मज़ाहिब के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह एक्सप्लेन किया गोविंदा भाई ने, इट वॉज अमेजिंग। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और बहुत कुछ नया आपने सीखा होगा, मैंने तो एटलीस्ट बहुत कुछ सीखा है। तो मजीद वीडियो, जी बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड यही बोलना चाहूँगा, आप जो ये प्यार मोहब्बत का मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आप कीप डूइंग दिस वर्क, फुल सपोर्ट है भाई आपको, एंड तहे दिल से शुक्रिया भाई इंडिया विजिट करने के लिए, थैंक यू। यही था आज का रिएक्शन, आप होप आप लोगों को रिएक्शन अच्छा लगा, अगर रिएक्शन अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करके बताइए आप लोगों को कौन से रिएक्शन का पार्ट अच्छा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।